आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज थाली, या आप इसे चाइनीज प्लेटर भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी कभी रेस्टोरेंट जाते हैं और चाइनीज फूड ऑर्डर ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। जब भी घर पे कभी अचानक से मेहमान आ जाए तो 30 मिनट में ये चाइनीज डिशेज आप कैसे बनाएं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताऊंगी और बिल्कुल झटपट बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो आप यहाँ पर नॉर्मल नूडल्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पैगेटी यूज़ करा हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्पैगेटी यूज़ कर रही हूँ। ये सूजी का होता है और इसे खाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ज़्यादा मैदे का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिए हुई है स्पैगेटी, आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में यहाँ पर डाल दिया है। पानी में पहले थोड़ा सा नमक डाला था, और नमक डालने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। 80% हमें इसे कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पर ये 80% कुक हो चुका है, तो मैं इसको अच्छे से ड्रेन कर लूँगी और ठंडे पानी से वॉश करने के बाद इसको छान करके रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पर हमारा स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बॉयल हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पैन पर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही यहाँ पर अच्छे से गर्म होने लगेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जो मैंने लंबी लंबी कट करके रखी हुई है। आपको स्लाइसेस में कट करना है बारीक, एकदम चॉप नहीं करना, छोटे छोटे पीसेस में नहीं करना, क्योंकि इसमें लंबी लंबी प्याजें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसको लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि वेजीज़ को हमें यहाँ पर क्रंची रखना है। और वेजीज़ में मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको प्याज के साथ, और 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्पैगेटी का सॉस। जो आप पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करते हैं, आप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच इसका यूज़ किया हुआ है। इससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और स्पैगेटी में इसी का यूज़ होता है, तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको अच्छे से वेजीज़ के साथ मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक रहेगा यहाँ पर स्वाद अनुसार। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे स्पैगेटी। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, और खाने में ये बहुत ही यम्मी लगती है। और मैदे का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जो स्पैगेटी है, ये सूजी की होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सॉसेस में। तो यहाँ पर हमारी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी है। तो अब सीजनिंग में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ऑर्गेनोस। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक डाला हुआ है, और थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पर ऑर्गेनोस। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत बढ़िया लगता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसे बनाने में मुश्किल से मुझे 5 से 7 मिनट लगे हुए हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे साइड, और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अमेजिंग आया है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो हमारे यहाँ पर एक डिश बन के तैयार हो चुकी है, तो इसे हम साइड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिली पनीर। तो चिली पनीर के लिए मैंने यहाँ पर वेजीज कट करके रखी हैं स्क्वायर शेप्स में। मैंने अनियन, थोड़ा सा कैप्सिकम डिफरेंट कलर्स की, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक, और थोड़ा सा लिया हुआ है यहाँ पर स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 200 से 250 ग्राम करीबन पनीर। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे यहाँ पर, जिससे जो हमारा ये
कॉर्नफ्लावर है वो सारे पीसेस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से टॉस कर लिया है। तो हमको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसका जो मॉइस्चर है उसी से ये अच्छे से कोट हो जाएगा। इस तरीके से पनीर को फ्राई करने से पनीर जो है बहुत ही क्रंची रहता है, काफ़ी देर तक ये क्रंची रहता है, क्रिस्पी रहता है। तो मैंने इस तरीके से इसको टॉस कर करके रेडी कर लिया है। अब ऑयल को मीडियम हॉट रखेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में हम यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस जो पनीर के हैं वो ऐड कर लेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमें इसको ओवरकुक नहीं करना ज़्यादा, हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारा पनीर सारा रेडी हो चुका है, तो इसी तरीके से हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर फ्राइड राइस। तो मैंने पनीर तो रेडी कर लिया है, इसकी जो चिली पनीर की जो ग्रेवी है वो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने वेजीज कट करके रखी हुई है, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा आनियन, थोड़ा सा ग्रीन पार्ट अनियन का स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट लिया हुआ है और थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स लिया हुआ है। सबको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर पैन पर डाला हुआ है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो बारीक कटा हुआ मैंने लहसुन डाल दिया है। यहाँ पर हर चीज़ में लहसुन ज़रूर डलेगा क्योंकि चाइनीज़ है, चाइनीज़ बिना गार्लिक के नहीं बनता। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखेंगे, सारी कुकिंग यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करा हुआ है और गार्लिक डालने के बाद मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाला हुआ है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम सारी वेजीज़ यहाँ पर एक साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें वेजीज़ को थोड़ा सा क्रंची रखना है। गार्लिक जैसे ही यहाँ पर से अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद डाली हुई है मैंने यहाँ पर वेजीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा कैप्सिकम। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक रहेगा स्वाद अनुसार, और 1/4 टेबलस्पून डाला हुआ है ब्लैक पेपर पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉसेस। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 2 बड़े चम्मच डाले हुए हैं यहाँ पर सोया सॉस। अब सारे सॉसेस को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए। जो इस पे हाई फ्लेम पे जो सॉस फ्राई होता है तो बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है। तो हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखा है। अब हम यहाँ पर जो भी राइस है आपके पास, अगर आप बॉईल करके राइस डाल रहे हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, या आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर राइस का यूज़ करा हुआ है। लेफ़्ट ओवर राइस से अगर फ्राइड राइस बनाए जाएँ तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं, एकदम खिले खिले तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मेरा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और बहुत ही बढ़िया सा कलर आया हुआ है और एकदम खिले खिले फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसमें लेड लगा देंगे और फ्राइड राइस को कर देंगे साइड। अब हम चिली पनीर के लिए यहाँ पर बनाएंगे सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पैन। पैन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। ऑयल के जैसे ही गर्म होते ही हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। आपको पूरी कुकिंग हाई फ्लेम पे करनी है तभी इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो या मीडियम ना रखें। तो जैसे ज़्यादा गर्म हो तो आप इसको मीडियम कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, गार्लिक, थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली हुई है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में अनियन और थोड़े से कैप्सिकम डाले हैं डिफरेंट कलर्स के। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, हमें इसे क्रंची रखना है। तो हाई फ्लेम पे हम कुकिंग कर रहे हैं और इसको अच्छे से टॉस करते हुए फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, नमक रहेगा स्वाद अनुसार, और 1/4 टेबलस्पून डाला हुआ है ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सॉसेस। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। दो बड़े चम्मच डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर सोया सॉस और 1/2 चम्मच डाला हुआ है मैंने यहाँ पर सेज़वान सॉस। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम स्पाइसी बनके तैयार होती है। और 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटो केचप।
अब सारे सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। जब सारे सॉसेस एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी वाला रख रही हूँ, क्योंकि हमें ये फ्राइड राइस के साथ और नूडल्स के साथ चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको ड्राई चाहिए आप उतना पानी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी का यूज़ किया हुआ है, और पानी डालने के बाद जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के रेडी करेंगे। और 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी में, और फिर हम इसको 3 से 4 चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। सारा एक साथ ना डालें, नहीं तो ये बहुत थिक होने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच का यूज़ किया हुआ है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं पहले से इसमें अब बहुत बढ़िया थिकनेस आने लगी है, और 1-2 बॉयल और आने के बाद ये और थिक हो जाता है। तो हम इसमें और ज़्यादा कॉर्नफ्लावर का घोल नहीं डालेंगे, सिर्फ 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अभी अच्छा थिक हो गया है, तो मैंने यहाँ पर डाले हुए जो फ्राइड करे हुए पनीर के पीसेस थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल आने के बाद हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि पनीर इससे बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, और इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट से। तो यहाँ पर हमारी तीनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं ओनली 30 मिनट्स में। तो आप इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर कभी भी गेस्ट आएँ तो आप झटपट 30 मिनट्स में ये रेडी कर सकते हैं, और एकदम डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।